हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, लिसन केयरफुली। आवर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी फाइन एट होम। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 7, गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स। ओके, ऑन पेज नंबर 38, इम्पीरियर हर्षवर्धन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका हो चुका है। ओके, प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो लिसन केयरफुली। इम्पीरियर हर्षवर्धन, इम्पीरियर मीन्स सम्राट हर्षवर्धन, यानी आफ्टर गुप्ता एज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडरेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी गुप्ता एज का एंड आ गया, गुप्ता एज का एंड, और उसके बाद किसका राज्य चलने लगा, हर्षवर्धन का। ओके, और उसके टाइम में, ओके, हर्षवर्धन के टाइम में एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन इंडिया, एंशिएंट इंडिया मतलब मीन्स प्राचीन इंडिया का ये जो स्टेट था वो एकदम इम्पोर्टेंट स्टेट था। ओके, ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर। ओके, अब जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन, वो किससे बिलोंग करता था, पुष्यभूति क्लैन, क्लैन मतलब कुल, वंश, वंश मीन्स जैसे आपके दादा है, दादा के बाद क्या है, आपके पापा, पापा के बाद कौन है, आप, यानी पूरा वो वंश कुल जिसको बोलता है ना, बोलते हैं ना हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, क्लैन, डायनास्टी भी बोलते हैं। ओके, क्लैन भी बोलते हैं और डायनास्टी भी बोलते हैं। ओके, तो थानेश्वर के पुष्यभूति कुल के से बिलोंग करते थे। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वर सन्स ऑफ प्रभाकर वर्धन। ओके, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो हमने सुना नाम, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, बेटे थे। वाइल हिज डॉटर वॉज राज्यश्री, जबकि उनकी डॉटर मीन्स पुत्री, पुत्री का नाम क्या था, राज्यश्री। वो वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कनौज ध्रुव वर्मन। ओके, जिसकी शादी किससे हुई थी, कनौज के राजा ध्रुववर्मन, ध्रुववर्मन के साथ उनकी शादी करी थी, किसकी, राज्यश्री की, राज्यश्री की। ओके, गॉड किंग, गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप्ड राज्यश्री एंड अटैक्ड ऑन द किंगडम विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस। राज्यवर्धन डाइड व्हाइल ट्राइंग टू सेव राज्यश्री। ओके, गॉड किंग शशांक, गॉड कुल का जो राजा था, गॉड कुल का राजा जो था शशांक, उसने राजा की जो मालवा, मालवा के जो राजा है उसकी पुत्री जो राजश्री है उसको किडनैप किया था, राज्यश्री का किडनैप किया था और उसके राज्य में अटैक किया था, हमला करते हैं ना जो, क्या पहले हमला करने से पहले अपनी वो राजा की पुत्री को किडनैप करके फिर उस पर राज्य पे उसको ब्लैकमेल करने का काम करते थे। अब वहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस हो, मेजर मतलब क्राइसिस मतलब बहुत हंगामा हो गया, और राज्यवर्धन जो था यानी राज्यश्री का भाई, हर्ष, राज्यश्री के भाई दोनों कौन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ओके, तो राज्यश्री को बचाने में राज्यवर्धन का मृत्यु हो गया, राज्यश्री को बचाने में। ओके, इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन, इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन इम्पीरियर हर्ष एस्केंडेड द थ्रोन इन 606 AD। ही सेव्ड राज्यश्री, नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट्स कनौज एंड थानेश्वर। ओके, थानेश्वर तो उसका खुद का ही था स्टेट। ओके, अब इस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में जो हर्ष, क्योंकि उसका भाई जो राज्यवर्धन था अपनी बहन को बचाते बचाते मर गया। ओके, तो अब बचा कौन, हर्षवर्धन। ओके, तो हर्षवर्धन ने अपने जो थ्रोन मतलब थ्रोन की जो क्या होता है कि जो जो भी राजा बनता है वो कुछ सालों के लिए बनता है, उसके बाद उसका जो विस्तार है वो बढ़ाना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो थ्रोन पर बैठा है उसमें प्रजा के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा। ओके, तो प्रजा के लिए तो काम करना पड़ेगा ना उन लोगों को, तो उसने अपनी जो थ्रोन की जो यानी अपनी राजगद्दी यानी अपना जो राज्य है वो बढ़ाया, अपना राज्य बढ़ाया, क्योंकि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने शशांक का
शशांक के ऊपर अटैक किया और उसको मार डाला। अब उसने अपने बहन को बचा लिया। ही सेव्ड राज्यश्री मतलब उसने अपने जो बहन है उसको बचा लिया। उसने सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाया, लेकिन उसने क्या किया, थानेश्वर का तो वो सम्राट था ही, क्योंकि थानेश्वर के तो उसके पापा थे जो प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के थे, और उनके दो बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ओके, राज्यवर्धन तो मर गया लेकिन हर्षवर्धन बचा, तो उसने अपनी बहन को भी बचाया। सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाया पर अपना स्टेट जो है ना उसका बढ़ावा किया, क्योंकि कनौज का जो राजा था वो तो मर गया। तो अब उसके पहले कैसा था कि जो राजा जीत जाते थे ना, वो जिस एरिया में जीते वो एरिया भी उनके हाथ में आ जाता था। सामने वाले किंग को अगर वो मार डालता है तो वो वहाँ किंग कोई रहता नहीं है, तो फिर उस पर भी उसका ही रूल चलता था। तो अब थानेश्वर और कनौज दोनों स्टेट में उनका राज चलने लगा। किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला, इन कंटेम्पररी स्टेट। मैत्रक किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लो। ओके, अब हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन वो प्राचीन इंडिया का लास्ट ऐसा इम्पीरियर था। इम्पीरियर मीन्स सम्राट, जो महान था, यानी हर्षवर्धन एक महान सम्राट था प्राचीन इंडिया का। प्राचीन इंडिया मतलब पहले का इंडिया। ओके, अभी तो मॉडर्न इंडिया है। और उसने अपना जो एरिया है, एम्पायर मतलब साम्राज्य, अपना एरिया समझो, साम्राज्य ना पता चले तो एरिया, जो अपना एरिया है उसको कहाँ तक बढ़ाया, मगध, ओडिशा मतलब अभी आप जो बोलते हैं ना ओडिशा जो बोलते हैं ना वो, सारस्वत, गौड़, मिथिला, ये सारे नाम है ना पहले के एंशिएंट इंडिया के नाम है, अभी उसके सारे नाम चेंज हो गए। ओके, इन कंटेम्पररी स्टेट्स यानी ऐसे ही स्टेट में देखो, मैत्रक किंग जो है ध्रुव सेना वॉज ही सन इन लो। ओके, जो उसका सन इन लो मतलब जमाई, सन इन लो मतलब सन मतलब पुत्र, और सन इन लो मतलब अपनी बेटी के हस्बैंड, उसको क्या बोलते हैं, सन इन लो मतलब किसको बोलते हैं सन इन लो, राजा का जो बेटा होता है, राजा का बेटा बेटी राजा की जो बेटी होती है ना, उसकी शादी के करने के बाद जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जमाई। पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। ओके, पुलकेशी टू, पहले के ज़माने में जो भी राजा थे क्या एक जैसा नाम रखे, तो पुलकेशी वन पुलकेशी टू, जैसे ये आगे देखा है चंद्रगुप्ता 1 चंद्रगुप्ता 2, हमने गुप्ता एज में जो इम्पीरियर हो गए उनके नाम देखा है ना, इसी तरह पुलकेशी टू नाम का एक राजा था जो साउथ में जो हमारा साउथ का एरिया है वहाँ एक पावरफुल रूलर के से पहचाना जाता था। पावरफुल मतलब जिसकी आर्मी जो होती है ना, जिसकी आर्मी मतलब सैन्य, लोग शस्त्रों से सज्ज होते, शस्त्रों मतलब वेपन्स, उनके पास जो भी हथियार चाहिए, गन्स, वो सब यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जो होती है ना उसको पावरफुल बोलते हैं। यानी उसके 4 गन्स की रिक्वायरमेंट हो लेकिन 5 गन्स हो तो फिर क्या उसकी जो सेना होती है वो पावरफुल तो होगी। तो साउथ में पुलकेशी टू था वो मोस्ट पावरफुल रूलर था। ओके, अब नर्मदा बैटल मीन्स युद्ध में हर्षवर्धन और पुलकेशी के बीच में नर्मदा बैटल हुआ था, उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन की हार हो गई थी इसमें। हर्षवर्धन ने फिर क्या किया पता है, नर्मदा के जो नॉर्थ का एरिया है उसमें हर्षवर्धन था वो एकदम पावरफुल किंग के नाम से जाना गया कि वहाँ की, बाकी उसका पुलकेशी के सामने उसकी हार हो गई थी।
कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्पीरियर हर्षवर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक. कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्पीरियर हर्षवर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर, ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. ही स्टेड इन हिज पैलेस. हर्ष वॉज डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. अब सांग जो हर्षवर्धन था, ओके, हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन का जो सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट करने में यानी संस्कृति को बचाने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था. बहुत इंपॉर्टेंस उसने काम किए. हर्ष कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक जो भी इम्पोर्टेंस है, पता है आप, जैसे धार्मिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, अपने जितना उसका राज्य बचा उसको उसने इतना डेवलप किया. और जो उसके टाइम में यानी हर्षवर्धन के टाइम में एक चाइना से एक ट्रैवलर मीन्स मुसाफर, ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर, ग्रेट मतलब महान एक चाइनीज ट्रैवलर था ह्यून सांग. वो उस टाइम टैंगसंग, तो वो उस टाइम इंडिया में आया था. कौन किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम में. ओके, हर्षवर्धन के टाइम में वो इंडिया में आया था. और वो जो चाइनीज ट्रैवलर था वो हर्षवर्धन के पैलेस में महल में रहा था, क्योंकि वो मुसाफर आया था यानी एक मेहमान ही था ना. तब इंडिया में कोई बाहर से आता था तो वो क्या कहलाता था? मेहमान. हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको क्या, तो हमारे घर कोई आता है तो हम उसको क्या करेंगे? मेहमान. हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको घर के बाहर तो नहीं रखते ना, उसको अपने घर में ही रखते ना. उसी तरह वो चाइनीज ट्रैवलर जो आया था उसको हर्षवर्धन ने अपने पैलेस में रखा. ओके, हर्षवर्धन था वो शिव भगवान का बड़ा एक भक्त था. हर्षवर्धन सो हर्षवर्धन था वो शिव भक्त था. शिव भक्त मतलब महादेव का, शिव भगवान का भक्त था. उसके बाद वो एक बुद्ध धर्म का एक बड़ा सा फॉलोअर बन गया. यानी फिर उसके बाद शिव का तो भक्त था लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने बुद्ध भगवान को फॉलो करना स्टार्ट किया यानी बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया. ओके, ही ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ह्यून सांग. ओके, अब उसने बुद्ध धर्म का जो है वो फॉलो करने लगा. अब उसने क्या किया पता है? कि जो चाइना से वो जो ट्रैवलर आया था ना, चाइना से जो ट्रैवल, उसकी हेल्प से प्रेसिडेंसी मतलब उसकी हेल्प से उसने बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक कॉन्फ्रेंस मतलब लोगों को इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस करने का, कि धर्म को एडॉप्ट करो, धर्म को मानो. ही प्लेस्ड आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप्ड. अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन महायान एंड हीनयान. ओके, अब उसने बुद्ध भगवान की एक बड़ी सी आइडल मीन्स मूर्ति वो प्लेस की मतलब रखी. बुद्ध भगवान की एकदम बड़ी सी मूर्ति जो थी वो रखती. ओके, और उसकी पूजा करने लगा. अब सेमिनार भी उसने बहुत सारे सेमिनार धर्म के रिलेटेड. अब वो धर्म का जो धर्म होता है ना, धर्म जैसे सबका अलग अलग होता है. जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म लोग जो भी हिंदू लोग होते हैं वो टेम्पल में जाते हैं, जो मोहम्मदन होते हैं वो अपने मस्जिद में जाते, जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते. तो वो क्या, अपने धर्म का अपने हिसाब से वो प्रचार करते. उसी तरह इसने भी अपने बुद्ध धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया. ओके, इम्पीरियल हर्ष हैज पैशन फॉर लिटरेचर आर्ट एंड एजुकेशन. ग्रेट पोएट बान भट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ हिज कॉर्ट. ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम्स लाइक हर्ष चरितम एंड कादम्बरी इन संस्कृत. ये दोनों नेम है, बाण भट्ट का नाम संस्कृत में बहुत पॉपुलर है. ओके, संस्कृत लिटरेचर में बहुत पॉपुलर है. अब सम्राट हर्षवर्धन वो शिक्षण आर्ट कला वो सब के लिए एकदम पैशन था. पैशन मतलब उसको सब आता था, पढ़ा हुआ भी था,
उसमें आर्ट भी था। ओके, अब उसके टाइम में उसके कोर्ट, कोर्ट मतलब किला, उसके कोर्ट मतलब क्या बोलते हैं, किले। ओके, तो ग्रेट पोएट, पोएट मतलब कवि, पोएट मीन्स कवि, बाण भट्ट, जिसको यहाँ बाण भट्ट को ऐसे हिंदी में बाण भट्ट, पर उसका सही नाम है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट था वो उसके राज्य, एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड, एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड, उसके कोर्ट के से कैसे और उसके किले से कनेक्टेड, मतलब उसके राज्य से कनेक्टेड था, यानी वो उसके राज्य का एक पॉइंट, महान कवि था। और उसने एक बहुत वॉल्यूम मीन्स ग्रंथ, वॉल्यूम्स मीन्स ग्रंथ, वॉल्यूम मतलब वो आवाज़ बढ़ाते वो वाला वॉल्यूम नहीं, वो भी वॉल्यूम ही होता है, पर वॉल्यूम मीन्स ग्रंथ, जो बुक इतनी बड़ी बड़ी लिखते हैं ना मोटी मोटी, उसको ग्रंथ बोलते हैं। उसने एक महान ग्रंथ लिखा है, कौन से, हर्षचरितम, हर्ष के नाम, हर्षवर्धन के नाम से ही हर्षचरितम, ये संस्कृत में पढ़ने का आता ही है। ओके बच्चों, फिर सेकंड है कादंबरी, कादंबरी संस्कृत में लिखा है। मयूर भट्ट एंड जय सूर्य वर ऑल्सो ग्रेट पोएट्स ऑफ द टाइम ऑफ हर्ष। अब हर्ष के टाइम में बाण भट्ट तो एक ग्रेट पोएट था ही, जिसने संस्कृत में दो ग्रंथ लिखे थे, पर मयूर भट्ट, मयूर भट्ट और जय सूर्य भी एक महान कवि उसके टाइम में थे। इम्पीरियर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर। जो हर्षवर्धन था, सम्राट हर्ष, वो खुद भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। ओके, अपने राज्य में अच्छी सी पढ़ाई की, पहले के ज़माने में ऐसे स्कूल में नहीं जाते थे, आश्रम में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, और वो लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकली, हम लोग जैसे बुक्स में पढ़ते हैं ना, वो लोगों का ज़्यादातर कैसा होता था पता है, प्रैक्टिकली पढ़ना होता था। प्रैक्टिकली मतलब जैसे बो एंड एरो जो होता है वो किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब किस तरीके अपने टारगेट को फॉलो करना है, उसको उनको फिर क्या है, लड़ाई आक्रमण कैसे करते हैं, वो सब उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते थे, यानी बुक्स लेके कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, पर फिर भी उसका हाई रैंकिंग लिटरेसी था। ही कंपोज टू प्लेस कोल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। ओके, अलोंग विथ इट ही वो ऑल्सो ब्रॉट अ स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन जातक स्टोरीज ऑफ बुद्धा नेम्ड नागानंद। ओके, अब उसने कंपोज किया, कंपोज यू नो रचना करना, कंपोज मीन्स निर्माण करना, बनाना, रचना करना, तो उसने दो प्लेस, प्लेस मतलब नाटक जो होते थे वो भी बनाए, जो कौन से नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शिका और दूसरा नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम से जाने जाने वाले दो ड्रामा मतलब नाटक प्लेस उसने कंपोज किया था, कंपोज मतलब बनाए थे। ओके, उसके साथ साथ उसने एक स्पेशल जो ड्रामा था वो भी लिखा था जातक स्टोरी के ऊपर। ओके, बुद्ध नेम्ड नागानंद नाम से, बुद्ध के नाम से, नागानंद के नाम से। ओके, सो वो एकदम स्पेशल प्ले था, वो भी उसने कंपोज किया था, लिखा था। ओके, हर्ष ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना, सिमिलरली अ चाइनीज डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया। इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्करर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचर। ही डोनेटेड 100 विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ। ओ, अब हर्ष तो जो था, हर्षवर्धन, उसके जो फ्रेंड बाकी जो कंट्री होती थी उसके साथ भी उसके बहुत फ्रेंडली रिलेशन था, फ्रेंडली मतलब यू नो फ्रेंडली रिलेशन, अच्छे रिलेशन, क्लोज रिलेशन, हर्ष के बाकी सब कंट्रियों के साथ भी क्लोज एकदम फ्रेंडली रिलेशन था। अब उसने क्या किया, जो चाइना में अपने जो दूत थे वो भेजा, चाइना वालों ने अपने दूत थे वो इंडिया में भेजे, यानी पहले के ज़माने में ऐसे वीज़ा पासपोर्ट उनकी कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं थी, ऐसे ही आ जाते थे। ओके, अब इस तरीके से जो हर्ष था, जो हर्ष वो एक हाई रैंकिंग रूलर के नाम से जाना जाए, कॉन्करर मतलब एक विजेता। ओके, कॉन्कर मतलब विजेता, व्यवस्थापक और एक ज्ञानी के नाम से जाना जाता था। ओके,
अब उसने नालंदा विद्यापीठ बनाने में, नालंदा विद्यापीठ के निर्माण करने के लिए 100 villages डोनेट किए थे, दान में दे दिए 100 villages, 100 गांव दान में दिए दिए विद्यापीठ बनाने के लिए, यानी अपने राज्य के बच्चे उस विद्यापीठ में पढ़ सके और नॉलेज गेन कर सके। इसी हिसाब से, इसी इंटेंशन से उसने 100 villages जो है वो नालंदा विद्यापीठ में दान कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं अपना यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर पुलकेसी 2। ओके, यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, सो बाय।